Hello students and welcome back to my channel. Today I will teach you the topic Vachan. So let's start to our topic. So let us firstly see the define of Vachan. कि आखिर वचन है क्या. तो वचन में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की तरफ ज़्यादा गौर देंगे, जो कि कई बारी पूछ भी ली जाती है हमसे हमारे प्रश्न में, हमारे क्वेश्चन पेपर में. तो हम उसे भी देखेंगे. यस, थोड़े ऐसे स्क्रीन में जाता है, इससे आपको दिख जाए सारा. यस, सो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचक होता है. मतलब ये न्यूमरल होते हैं, जैसे जैसे वन टू, इस तरीके से हम मैथ्स में काउंटिंग लगते हैं, उसी तरीके में न्यूमरल होते हैं, संख्यावाचक होते हैं. और ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं. जो छोटे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एकवचन. जो बड़े होते हैं हम क्या बोलते हैं, बहुवचन. ये भी हम आगे थोड़ा उसमें लेंगे, डिफाइन करके इनको प्रॉपरली हम लेंगे. बट अभी जस्ट हम इसकी डिफाइन पढ़ते हैं. संख्यावचन को ही वचन कहते हैं. ठीक है, यही जो मैंने अभी आपको बताया. तो इसी न्यूमरल थिंग को हम क्या कहते हैं, वचन. वचन का एक अर्थ कहना भी होता है. मतलब हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी में है, वो एक है या एक से ज़्यादा है, कितने हैं वो एक्चुअल में. अब इसकी अगर आपको प्रॉपर डिफाइन पूछ ली जाए वचन की, कि वचन क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे. संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं. मतलब संज्ञा के जिस संज्ञा आपको पता, द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, हिंदी में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी भी जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं, वचन. तो अब इसके मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, जो कि आपको दोनों एक वचन का भी है और बहुवचन का भी है. लड़की खेलती है. कितनी लड़की खेल रही है, सिर्फ एक ही लड़की खेल रही है. और लड़कियां खेल रही हैं. अब लड़कियां खेल रही हैं मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां खेल रही हैं. तो इस तरीके में हम इनके एग्जांपल्स को जो कि है लेंगे. अब मैं प्रॉपरली इसके भेद के आपको बताता हूँ. देखिए, वचन के कुल दो भेद हैं, बस इसके दो ही भेद हैं. क्या 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 है वो, एक वचन और बहुवचन. एक वचन मीन्स ओनली वन, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो. और बहुवचन में मोर देन वन. बहुवचन में मोर देन वन. अब मोर देन वन में चाहे वो टू हो, चाहे वो थ्री हो, या चाहे वो हंड्रेड हो, वो सब बहुवचन में ही जाएगा. एक वचन में जो चीज़ सिर्फ एक है वही हम लेंगे. अब आपको क्या क्या पता चल गया, कि वचन आके होता क्या है, उसकी आपको डिफाइन पता चल गई, और अब आपको उसके भेद भी पता चल चुके हैं. अब हम इसके भेदों को थोड़ा, इसकी डिफाइन पता करेंगे इसके भेदों की. तो ये रही इसकी डिफाइन. इस आपको माउस पॉइंटर ना दिखे तो मैंने रिपीट भी कर रहा हूँ पीछे पीछे, ये वाला माउस पॉइंटर. तो संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे एकवचन कहते हैं.
मतलब संज्ञा, संज्ञा मीन्स इंग्लिश में हमारी नाउंस जो होती हैं उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि राहुल, देखिए ये एक्चुअली में मोबाइल है तो इस पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी लिखने में, बट स्टिल आई विल ट्राई। राहुल खेल रहा है। तो राहुल कितने सारे तो नहीं है ना, एक ही तो राहुल है वो, तो ये किस कैटेगरी में होगा? एक वचन में। अब इसके वन वर्ड एग्जांपल लें तो लड़का लड़की, और हम ले लें कुछ भी जैसे कि पंखा, और फूल फल सब्जी, तो इस तरीके में। अब हम किसकी डिफाइन देखेंगे? अब हम देखेंगे बहुवचन की डिफाइन। यस, तो बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के एक से अधिक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, आयन पब्लिक जमा हो गई है, बाग में फूल खिले हैं, इस तरीके में जाए ना, खिले हैं, हुई है, या जैसे मान लीजिए कुछ भी हुआ, रहे हैं, इस तरीके में जो गए वो सारे किस में जाएंगे? बहुवचन में। और बहुवचन में मीन्स क्या होगा हमारा? मोर देन वन, वन प्लस। अब वो 1+2 हो, 3 हो, या 100 हो, ये जितने भी हों 1 से ज़्यादा, वो किस कैटेगरी में जाएंगे? बहुवचन में। और मैं आपको पहली बचा बता दूं कि संस्कृत में हमारा एक और जो आता है टर्म, वो क्या है? द्विवचन। द्विवचन हमारी एक टर्म होती है जो कि संस्कृत में होती है। तो स्टूडेंट्स, इस टर्म के अकॉर्डिंग जो द्विवचन जो हमारे संस्कृत में होता है, उसमें जो होता है वो सेकंड पर्सन भी माना जाता है। सेकंड पर्सन जैसे तुम, लड़का, ऐसे दो लड़के खेल रहे हैं, तो उसमें जो हमारी कैटेगरी गई वो क्या गई? द्विवचन। तो ये संस्कृत में होता है, बट हमारी हिंदी में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हमारे में जो जितने भी 1 से आगे कितने भी हों, 2 हो, 3 हो, या 4 हो, 100 हो, कितने भी हों, सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? बहुवचन में। होप सो आपको अब इसकी भी डिफाइन पता चल गई, और अगर आपसे कोई एग्जांपल मांगे तो अब आपको वो भी पता है। ये दोनों टॉपिक्स अब आपको पता चल चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है, और चलिए वो देखते हैं। देखिए, बातें हैं कुछ जो कि सिर्फ मैं आपके लिए रीड आउट करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का है नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे, मैं पढ़ ही दूंगा तो भी। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और वे और हम का प्रयोग करते हैं। से वे बहुत अमीर हैं, या हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार है, इस तरीके में जो जाएं, तो वो कुछ लोग बड़प्पन के लिए यूज़ करते, तो ये भी हमारे फिर बहुवचन की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये हमारा हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, जैसे
ये शब्द आप पढ़ लीजिए और इन सारे शब्दों का आप लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन शब्द हैं जो कि मैंने आपके लिए बड़े सिलेक्टेड लिए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरी काउंटिंग गलत लिखी हुई है, तो ये काउंटिंग को आप ना पढ़े क्योंकि सेकंड वाला अभी हम कर चुके हैं। इसलिए द्रव्या की सूचना देने वाले द्रव्या सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। और ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो द्रव्या सूचक वाला तो आप रीड आउट कर सकते हैं यूट्यूब से ही। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से। आदरणीय सम्मान्य व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। होप सो आपको अभी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप समझ भी गए होंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में स्टिल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर 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 पूछिए। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देखें, मैं रीड आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार स्क्रीन जो होती है वो ब्लर आ जाती है वीडियो में, तो इस वजह से मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स, तो आप भी इन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा। करंट कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। एक से ज़्यादा अव्ययों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। ठीक है, एक लगा दिया जाता है अव्ययों के आगे अगर हमें उन्हें एक वचन में लिखना है, अदरवाइज बाकी सारी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, धातुओं की जाति बताने वाले संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स भी थे। अब एक क्लास है मेरे पास, एक और पॉइंट आखिरी बात। कभी कभी कुछ एक वचन शब्द संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, जनद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, मतलब उनको बहुवचन में बनाने के लिए ये सारे शब्द लगा दिए जाते हैं। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके होते हैं ख़त्म। और अगर आपको इन सब का PDF फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक लिंक जो मैं आपके लिए डाल दूँगा, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर किसी को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो जहाँ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के जो बटन्स होते हैं, सॉरी सब्सक्राइब का नहीं, डाउनलोड वगैरह का, उसके नीचे राइट साइड में एक एरो बना होता है, जब आप उसको दबाएंगे तो आपके लिए आपके वीडियो के नीचे एक एज आ टाइप बॉक्स में खुल जाएगा कोई बॉक्स है, उसमें एक लिंक दी हो गई ब्लू कलर से, उसको जब आप दबाएंगे तो आप वो गूगल ड्राइव की लिंक होगी एक्चुअल में, और अगर आप फ़ोन पे हैं तो आप गूगल ड्राइव से ही उसे ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आप कंप्यूटर या PC पे हैं या लैपटॉप पे हैं तो आप उसे क्रोम या किसी भी ब्राउज़र से ओपन करके उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का बेस्ट ऑप्शन है, जो जब आप उसे खोलेंगे तो कहीं पर भी आपके कंप्यूटर में या फ़ोन में आपको 3 डॉट का बटन दिखेगा,
एक के नीचे एक 3 डॉट्स होंगे, जब आप उसको दबाएंगे तो वहाँ डाउनलोड लिखा होगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू, और उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है, देन एट लास्ट आई विल शो यू द आंसर्स। तो अब मैं आपके लिए आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। यस, सो हियर इज़ योर एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। इसके आंसर्स जस्ट आप अपने माइंड में सोच लीजिए, मैं आपके लिए एक रीड आउट करूँगा। संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और जो भी आपको सही लगता है वो आप अपने माइंड में सोच लीजिए, और आंसर्स तो फिर आपको पता चलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यह निम्न चित्र सही है? इस चित्र में हमें दिखाया जा रहा है कि वचन के ये दोनों भेद हैं, क्या ये सही है? आपके पास यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सही लगे आप अपने माइंड में सोच लीजिए। नेक्स्ट, आग शब्द का बहुवचन शब्द है ये या ये, तो जो भी आपको लगता है सोच लीजिए अपने माइंड में जल्दी से, मैं और आगे बढ़ूँगा। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है एकवचन बहुवचन या विशेषण, जो भी आपको लगता है वो टिक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन इज, श्रोतागण शब्द को का बहुवचन रूप होगा श्रोताएं, श्रोताओं, श्रोतागणों या श्रोतागण, तो जो भी आपको ऑप्शन लगता है उसे सोच लीजिए, और मैं आपको पूरी शीट भी दिखा देता हूँ एक बारी। यस, तो ये रही पूरी शीट। अब मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर था संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराने शब्दों को हम कहते हैं वचन। ओके, क्या ये निम्न चित्र सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वचन के 2 ही भेद होते हैं, पहला एकवचन और दूसरा बहुवचन। आँख शब्द का बहुवचन शब्द होता है आँख, आँखें, आँखों या आँखियाँ, तो आँखें होता है बिल्कुल सही शब्द। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? बहुवचन। बहुवचन को हम किस लिए, आपको अभी महत्वपूर्ण जो बातें मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं जब हमें आदर प्रकट करना होता है। तो वो अब लास्ट हमारा श्रोता शब्द का बहुवचन रूप होगा, तो क्या होगा? श्रोतागण। ये तो मैं आपको दिखा भी देता, हमने अभी लास्ट में पढ़ा है कि कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण या ये सारे शब्द लगा के बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ छात्रगण था, उसी तरीके से हमने बनाया क्या अपना, क्या श्रोतागण। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लिंक आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ये सारी इमेजेस एक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए, और अगली वीडियो तक गुड बाय।